हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की। दरअसल खबरें आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी जल्द ही लॉकअप के बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो अब नजर आएंगे खतरों के खिलाड़ी में। दरअसल रोहित शेट्टी के मच अवेटेड शो खतरों के खिलाड़ी 12 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। आए दिन इस शो से जुड़ी कोई ना कोई नई अपडेट सामने आती रहती है। मेकर्स इस टाइम शो के कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल करने में जुटे हुए हैं और अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी के इस शो में मुनव्वर फारूकी बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। इन दिनों मुनव्वर फारूकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के OTT शो लॉकअप में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी लॉकअप के स्टार कंटेस्टेंट्स में से एक हैं और लोग उन पर जमकर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी के शो के लिए मुनव्वर फारूकी का नाम फाइनल कर लिया गया है। इसी के साथ रियलिटी शो की क्वीन कहलाने वाली चेतना पांडे का नाम भी स्टंट बेस्ड रियलिटी शो से जुड़ने लगा है। चेतना पांडे को विकास गुप्ता के रियलिटी शो एज ऑफ स्पेस में देखा जा चुका है और साथ ही वो कई और शो में अहम रोल अदा कर चुकी हैं। अब खतरों के खिलाड़ी में मुनव्वर फारूकी के साथ एंट्री लेने वाली है ये हसीना। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी हर बार अपने इस खतरनाक रियलिटी शो की शूटिंग सात समंदर पार ही करते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। दरअसल खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए मेकर्स ने इस बार साउथ अफ्रीका को चुना है। इस शो की शूटिंग इस साल मई के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी और सभी कंटेस्टेंट्स लगभग एक महीने के लिए साउथ अफ्रीका में ही रहने वाले हैं। मुनव्वर और चेतना के अलावा इस शो से शिवांगी जोशी, एरिका फर्नांडिस, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, उमर रियाज और पवित्र पूनिया का नाम भी जुड़ रहा है। आपको बता दें कि लॉकअप शो में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी और इसके साथ ही बाकी कैदियों को जमकर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो लॉकअप के बेस्ट कंटेस्टेंट हैं और लोग उनको बेहद सपोर्ट करते हैं और प्यार भी करते हैं। इसके साथ ही पायल रोहतगी से उनका 36 का आंकड़ा है तो वहीं प्रिंस नरुला से उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और काफी चर्चाओं में भी रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुनव्वर को लॉकअप का मास्टरमाइंड कहा जाता है। शो में मुनव्वर अपना बेस्ट देते हैं और उनकी दमदार पर्सनालिटी और मजाकिया मिजाज शो के एंटरटेनमेंट लेवल को बूस्ट करता है। शो में मुनव्वर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही उन्हें कई दूसरे शोज के भी ऑफर मिलने लगे हैं और जिसमें अभी नाम सामने आ रहा है खतरों के खिलाड़ी का। दरअसल लॉकअप में कंगना के कैदी बनने के बाद जल्द ही मुनव्वर फारूकी स्टंट करते हुए नजर आएंगे और वो रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ सकते हैं। खैर, अभी इस बात पर ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी खबरें सुर्खियों में हैं कि जल्द ही मुनव्वर फारूकी स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं। अब इस बात को लेकर इतना बज़ भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि मुनव्वर अगर खतरों के खिलाड़ी शो का हिस्सा बनते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लग सकते हैं, क्योंकि इस शो को लेकर फैंस के बीच हर बार जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। ऐसे में लॉकअप के बाद खतरों के खिलाड़ी शो मुनव्वर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज को बना सकता है एक हीरो इमेज। अब भाई ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर मुनव्वर असल में चेतना पांडे के साथ एंट्री लेते हैं तो ये क्या ही खूब नजारा होगा। दरअसल चेतना को रियलिटी शोज की क्वीन माना जाता है। ऐसे में एस ऑफ स्पेस के बाद अब वो मुनव्वर फारूकी के साथ खतरों के खिलाड़ी में एंट्री लेने वाली हैं। खबरें हैं कि विकास गुप्ता से वो खास बॉन्ड शेयर करती हैं। हालांकि अभी दोनों ही स्टार्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात पर नहीं आई है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग तो है ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अगर मुनव्वर फारूकी चेतना पांडे के साथ खतरों के खिलाड़ी 12 में एंट्री लेते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।